अनुसुईया उइके को मणिपुर का राज्यपाल बनाए जाने पर छत्तीसगढ़ में सियासत शुरू हो गई है। आरक्षण विवाद में अनुसुईया उइके को लेकर कांग्रेस हमेशा उग्र रही है, लेकिन अब उनके तबादले के बाद कांग्रेस नेता इसे केंद्र का आदिवासी विरोधी कदम बता रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्यपाल ने एक घंटे में विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा था, लेकिन बीजेपी के दबाव की वजह से वो ऐसा कर नहीं पाई। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्यपाल तो आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर करना चाहती थी, लेकिन इसी वजह से उनको बदल दिया गया। वहीं बीजेपी ने नए राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन का स्वागत किया है। सीधी सादी है, सरल महिला है। मैं तो उस दिन भी बोला था मेरी बड़ी बहन जैसी है, और लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग राजभवन को राजनीति का अखाड़ा केंद्र बना देते, वो बेहद दुर्भाग्यजनक। जो आरक्षण विधेयक था उसमें हस्ताक्षर करना चाह रही थी, वो चाह रही थी कि विधानसभा में विशेष सत्र के माध्यम से वो विधेयक महामहिम राज्यपाल के पास आए, मगर भारतीय जनता पार्टी दबाव के कारण वो राज्य जो हस्ताक्षर नहीं कर पा रही थी। और आपके अनुभव का लाभ इस छत्तीसगढ़ राज्य को मिलेगा। आप संवैधानिक प्रमुख होने के नाते और आपके संरक्षण में छत्तीसगढ़ फलेगा फूलेगा और नए कीर्तिमान स्थापित हो।